मध्यकालीन निर्गुण संत कबीरदास के दोहों में काया योग, रहस्यवाद, जीववाद, निर्गुणवाद एवं परम तत्व रूप राम आदि अनेक सिद्धांतों की झलक मिलती है। मूलतः कबीर अद्वैत वेदांती है। कबीर का ब्रह्म मात्र निर्गुण नहीं है, निर्गुण होते हुए भी कबीर दया, करुणा, प्रेम और भावना के पुंज हैं। संत कबीर की साधना में ज्ञान और भक्ति का अपूर्व मिश्रण है, अपूर्व मिलन है। ढोंग, आडंबर, बाहरी दिखावा, इन सभी चीजों के कट्टर विरोधी कबीरदास जी रहे। उन्होंने समाज के उन सभी आडंबरी पंथों और संप्रदायों पर चोट किया है जो बाहरी दिखावा के पक्षधर है। दिखावा का मतलब समझ रही हो? दिखावा जो हम हैं नहीं वैसा दिखने की कोशिश करना, वही दिखावा है। आडंबर उसी को कहते हैं। बाल मुड़ा लेने से कोई संत नहीं हो जाता, वस्त्र गंगा लेने से कोई फकीर नहीं हो जाता, दाढ़ी रख लेने से कोई साधु नहीं हो जाता। कबीरदास जी इसको आडंबर मानते रहे। हम स्वयं अपने कर्मों का मूल्यांकन नहीं करते, परंतु दूसरों के कमियों को, त्रुटियों को देखते फिरते हैं। अपने घर को, अपने आचरण को नहीं सुधारते, पर दूसरों से यही आशा रखते हैं। हम अपनी कमियों को नहीं आंकते, अपने छिद्रों को नहीं देखते, लेकिन दूसरे के छिद्रों को बड़ा करने में मशगूल रहते हैं। अपने अवगुणों को देखना तो दूर, सुनना तक पसंद नहीं करते, वहीं दूसरों के गुणों को भी अवगुणों में परिवर्तित करने के लिए लगे रहते हैं, कुचक्र रचते रहते हैं। कबीरदास जी इन सभी आडंबरों के विरोधी थे। उनका कहना था कि तुम जैसे हो वैसे ही दिखो, अपने आप को झूठे श्रृंगार में मत लाओ, बनाओ श्रृंगार, यह आडंबर है। महान संत कबीर कबीरदास जी का जन्म संवत 1456 के ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन हुआ था। उनके जन्म और मृत्यु तिथि विवादित है। ब्राह्मण कुल में जन्म लिए कबीरदास जी का पालन पोषण मुस्लिम परिवार में, जुलाहा परिवार में हुआ। यही कारण है कि कबीरदास में दोनों संस्कारों का मिश्रण है। एक बार परिस्थितियों से ऊब कर कबीरदास जी बैरागी हो गए और वन वन भटकते रहे, पर जब उन्हें वे कष्ट वन में भी प्रतीत हुए तो घर रहकर ही उन्होंने वास्तविक विरक्त जीवन अपना लिया और वही जीवन व्यतीत करने लगे। वे शरीर से ही नहीं मन से बैरागी थे, सच्चे मन के पुजारी थे। संत कबीरदास जी अपने संपूर्ण जीवन में अपने को कभी किसी धर्म या किसी पंथ से नहीं जोड़ा। कबीर सच्चे साधक और संत सच्चे संत थे, योगी थे। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब आज संपूर्ण समाज जाति, धर्म, रंग भेद, वर्ण भेद में बढ़ता नजर आ रहा है, समझ रही हो? जाति भेद, हमारा जाति क्या है, हम उसी जाति को हम चाहेंगे, यही होता है जाति। धर्म, हम जिस धर्म को मानते हैं हम उसी धर्म के लोगों से प्यार करें, दूसरे के धर्म को छोटा समझें, यह गलत बात है। इस धर्म को, इस जाति को, रंग भेद को, हम गोरे हैं तो काले लोगों से घृणा करें, यह रंग भेद है, और वर्ण भेद, इन सबों को वो बहुत ही खराब मानते थे। कबीरदास जी की भावना, कबीरदास जी की विचारधारा अत्यंत ही आज के परिप्रेक्ष्य में उपयोगी सिद्ध हो रही है। कबीर ने आडंबर युक्त जीवन पर कटाक्ष करते हुए निम्नलिखित पंक्तियों को उद्धृत किया है। आओ सुने कि कबीरदास जी ने किस तरह से समाज के आडंबरों पर चोट किया है। संत कबीरदास ज्ञान को ही सच्चा रत्न मानते हैं और ज्ञान रूपी साबुन से ही नहाने की बात करते हैं। इस शरीर को चादर मानते हैं और राम नाम को तत्व का दरिया मानते हैं। माया को क्षणिक मानते हुए संत कबीरदास जी कहते हैं,
कबीरदास जी चेतावनी देते हैं, कहते हैं कि बहुत कुछ तुम्हारा बीत चुका है, अब तो संभलो। बालपन बीते युवापन बीते, बालपन बीते युवापन बीते, विरहापन नियराई, कहत कबीर चार पल बीते, बांधल जम पुर जाई रे चुनरिया, काहे ना धोवाई चुनरिया, चुनरिया काहे ना धोवाई रे चुनरिया, काहे ना धोवाई। बालापन बीते, युवापन बीते, वृद्धापन नियर आई, हम बच्चे थे वह समय बीत गया, हम युवक थे वह समय भी बीत गया, अब हम वृद्ध हुए, अब तो चेतो और अभी भी भगवान के नाम को लेने के लिए तैयार हो जाओ। तो आइए कबीर दास के कुछ सीख भरे दोहे, जो ज्ञान रूपी दरिया है, में हम सभी मिलकर डुबकियां लगाएं, आनंद लें और अपने जीवन में इसे चरितार्थ भी करें।